हाय एवरीवन, वेलकम टू समझो लर्निंग। दिस इज रोहित डागर। दो अफवाहें मार्केट में जो बहुत ज़्यादा उड़ रही हैं, व्हाट्सएप मैसेजेस में, फॉरवर्ड्स में और फेसबुक पे, यूट्यूब पे। पहली कि यूपीएससी का पैटर्न चेंज होने वाला है, सिलेबस चेंज हो गया है नेक्स्ट ईयर के लिए। दूसरा कि यूपीएससी प्रीलिम्स 2020 पोस्टपोन होने वाला है। ये दोनों के बारे में एक बार डिस्कशन कर लेते हैं। मेन बात यह है कि दोनों ही अफवाहें हैं, दोनों झूठ हैं। पहली बात जो है कि यूपीएससी प्रीलिम्स 2020 पोस्टपोन हो गया है। पोस्टपोन हुआ नहीं है, ये बात चल रही है कि कुछ पिटिशनर्स ने सुप्रीम कोर्ट में एक केस डाला है। उन्होंने पोस्टपोन करने के लिए सुप्रीम कोर्ट को बोला है। सुप्रीम कोर्ट ने इसकी अर्जेंट हियरिंग की है, विच विल बी 28th of September। अब 26th of September दोपहर में 3 बजे, बाय द टाइम आई एम मेकिंग दिस वीडियो, इस टाइम तक कुछ भी ऐसी डिक्लेरेशन नहीं आई है, पोस्टपोनमेंट नहीं आई है। 28th of September 2020 को आपको पता लगेगा कि सुप्रीम कोर्ट क्या कहता है। तो अभी इन चीज़ों पे टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। सिंपली अंडरस्टैंड द फैक्ट दैट द पेपर हैज़ नॉट बीन पोस्टपोन्ड। पोस्टपोन अगर होगा तो उसकी प्रॉपर अनाउंसमेंट होगी हमारे टेलीग्राम चैनल पे भी 28th of September को। अब पिटीशन ये डाली गई थी, कुछ लोगों ने बोला था कि हमारे आर्टिकल 19 क्लॉज 1 जी का ये वायलेशन है, वेयर वी डू नॉट हैव द राइट टू चूज अ प्रोफेशन प्रॉपरली और उसको हम परस्यू कर सकें। कोविड का टाइम चल रहा है, काफ़ी जगह पे फ्लड्स, रेन के इश्यूज आ रहे हैं, ट्रैवलिंग में बहुत ज़्यादा दिक्कत आएगी बहुत लोगों को। काफ़ी सारे ऐसे डॉक्टर्स हैं जो कि अभी कोविड ड्यूटी में हैं, काफ़ी सारे ऐसे गवर्नमेंट सर्वेंट्स हैं जो कि कोविड ड्यूटी में हैं, जो कि यूपीएससी के एग्जाम में अपियर करना चाहते हैं लेकिन वो नहीं कर सकते इस टाइम पर, बिकॉज उनके पास टाइम नहीं है। उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी काफ़ी ज़्यादा है किसी एक पर्टिकुलर एरिया में, तो 2-3 महीने डिले किया जाए। बट यूपीएससी ने ऑलरेडी एडमिट कार्ड आउट कर दिए हैं। अभी यूपीएससी से जवाब मांगा है सुप्रीम कोर्ट ने कि आप बताओ कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, उसके बाद हम हियरिंग करेंगे 28th of September को। ऐसा हो सकता है कि पोस्टपोन हो जाए, बट ज़्यादा चांसेस ये हैं कि पोस्टपोन नहीं होगा। तो आपको अपनी प्रिपरेशन कंटिन्यू करनी चाहिए, रिवीजन अपना स्ट्रांगली करते रहो, बिकॉज ये आर्ग्यूमेंट उठ के आएगा, सुप्रीम कोर्ट शायद बोल दे कि 17 ईयर्स ओल्ड स्टूडेंट्स आर गिविंग जेई एंड नीट पेपर, आप लोगों को भी पेपर देना चाहिए। काउंटर आर्ग्यू ये होगा कि हमारे केस में तो साल बर्बाद नहीं होगा, जेई नीट के बच्चों का तो साल बर्बाद हो रहा था इसलिए उनको देना जरूरी था एग्जाम। जो भी होगा वो 28 सितंबर को पता लगेगा। आपको क्या लगता है कि पेपर पोस्टपोन होना चाहिए कि नहीं, राइट डाउन इन द कमेंट सेक्शन। काफ़ी अलग अलग लोगों के व्यूज़ आएंगे तो एक प्रॉपरली हेल्दी डिबेट हो सकती है, बट इस पर ज़्यादा टाइम स्पेंड करने की जरूरत नहीं है, फोकस अपना रिवीजन पे करना। दूसरी जो मिथ है जो कि आपको पता होनी चाहिए वो ये है कि यूपीएससी का सिलेबस चेंज नहीं हो रहा है, यूपीएससी में कोई भी पैटर्न चेंजेस नहीं है। राज्यसभा में श्री जितेंद्र सिंह जो कि मिनिस्टर ऑफ स्टेट हैं फॉर पर्सनल, इन्होंने रिटन स्टेटमेंट दिया है जिसमें इन्होंने बोला है कि सीसैट का पेपर नहीं हट रहा है। दूसरी चीज़, कोई भी सिलेबस या पैटर्न में चेंजेस अभी नहीं आ रहे हैं, ये रिटन में दिया है। तो अगर आपने ऐसा कोई स्क्रीनशॉट देखा है, ऐसा कोई व्हाट्सएप फॉरवर्ड देखा है जो कि अभी आपकी स्क्रीन पर आ रहा है, तो ये एब्सोल्युटली राइट है, दिस इज़ एब्सोल्युटली करेक्ट, कोई भी चेंज अभी नहीं आ रहा है। तो इन दो मिथ से, इन दो अफवाहों में, इन दो फॉरवर्डेड मैसेजेस में ज़्यादा टाइम बर्बाद नहीं करना। एंड ऑलवेज रिमेंबर, कुछ भी अगर रेलिवेंट ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन होगी, विल गिव इट टू यू ऑन द समझो लर्निंग्स ऐप, टेलीग्राम चैनल और यूट्यूब पे भी वो इन्फॉर्मेशन आपके पास आ जाएगी। राइट, सो आई होप यू एंजॉयड वॉचिंग द वीडियो। सी इन द नेक्स्ट वन। थैंक यू।